हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गॉस लॉ, गॉस का नियम। आज अपन गॉस के नियम को पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गॉस लॉ, इससे पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने पढ़ा है कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए। विद्युत क्षेत्र और किसी बंद पृष्ठ का जो अदिश गुणनफल है वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स में अपन ने पढ़ा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाओं की जो संख्या है वही विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स को फाई से अपन डिनोट करते हैं। गॉस का जो नियम है ये विद्युत फ्लक्स के बारे में ही अपने को बताता है, लेकिन इसका तरीका जो है वो मेथड अलग है। गॉस का नियम है वो क्या कहता है कि ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में यानी विद्युत जो फ्लक्स होता है फाई, वो गॉस का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है यानी क्यू कितना है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और नियतांक एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये गॉस का नियम है, इसको समझना अपने को। तो इस नियम के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल के लिए समेशन का यूज किया है, कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यही गॉस का नियम कहलाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको इसको रटना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको लिखना है इस फॉर्मूले को देखते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। वेहर एप्सिलॉन नॉट एक कॉन्स्टेंट है विच है वैल्यू 8.85 × 10^-12। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपन निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। यहां अपन जानते हैं कि बल जो होता है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के जो है वो डियर स्टूडेंट्स 1/4 π एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अपन एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो अपन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बल यहां आएगा तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब कूलम्ब स्क्वायर, ये बल यहां आएगा तो न्यूटन और दूरी मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है गॉस का नियम, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। गॉस के नियम के अप्लीकेशन है अनुप्रयोग। एक अप्लीकेशन बड़े मार्क्स में एग्जाम में 100% श्योर आती है। तो इससे पहले अपन एक टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि गॉस के अप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक रिक्वायरमेंट होगी बीच में। और इस टॉपिक का नाम है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण को अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, डियर स्टूडेंट्स, अपन ने आवेश पढ़ा है तो और आवेश की प्रॉपर्टी पढ़े हैं। और आवेश की प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा है कि आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि है यानी विभक्त है। इस फॉर्मूले से अपने को पता चलता है कि आवेश, कोई भी अपने पास ये वायर है, इस वायर में आवेश टुकड़ों के रूप में है, ये Q1 है, यहाँ Q2 है, यानी सतत नहीं है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं आवेश की जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, गुणधर्म में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट्स, अपने को क्यों जरूरत पड़ी कि सतत आवेश वितरण अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आवेश तो क्वांटीकृत है।
तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपने फिजिक्स में ये माना गया है कि अपने पास कोई वस्तु है और उस वस्तु में यदि आवेश नज़दीक नज़दीक हैं, बहुत ही निकट निकट हैं, तो इस आवेश को अपन एज्यूम कर सकते हैं कि ये सतत है, केवल माना जा सकता है लेकिन होता नहीं है। किसी भी वस्तु में यदि आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, यानी पास पास में हैं, तो उस आवेश को विभक्त न मानकर सतत माना गया है, अपने फिजिक्स में अज्यूम किया गया है। इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा सतत आवेश वितरण। किसी भी वस्तु के अंदर सतत आवेश वितरण किस प्रकार से होता है, वितरण का मतलब होता है बांटना, किसी भी वस्तु में डिवाइड कैसे होता है आवेश का। तो डियर स्टूडेंट, सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन में तो आपको लिखना है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी टुकड़ों के रूप में होती है, परंतु यदि किसी वस्तु में आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी नजदीक नजदीक हैं, तो इस प्रकार के निकाय को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं, यदि आवेश पास पास में है। डियर स्टूडेंट, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के हैं। सतत आवेश वितरण में सबसे पहला प्रकार है रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण किस प्रकार से होता है? रैखिक आवेश जो वितरण है, इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना है कि यदि आवेश एक सरल रेखा के रूप में वितरित हो, जैसे वायर की अपन बात करें तो वायर एक स्ट्रेट लाइन में है, कोई भी अपने पास वायर है और उस वायर में आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इस प्रकार के वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि रैखिक आवेश वितरण, यानी आवेश एक रेखा के रूप में है, वो वितरित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास कोई रेखा है इस प्रकार, और इस पर आवेश है वो समान रूप से वितरित है, इस रेखा के अनुदिश आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, तो इस प्रकार के वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि ये वायर जितनी लेंथ का है उतनी लेंथ भी यहां से लेके यहां तक इसमें चार्ज है वो इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कहीं पर भी इसमें भेदभाव नहीं, समान रूप से वितरित है। अब विशेष ध्यान रखनी है कि ये यदि वायर अपन अज्यूम करें, मान लें कि 10 सेंटीमीटर का है, तो इसकी एकांक लंबाई यानी 1 सेंटीमीटर, इसकी एकांक लंबाई यानी अपन इसका स्मॉल पार्ट लें, इसको अपन बोलेंगे एकांक लंबाई, यूनिट लेंथ। पूरी लंबाई जो है अपने पास उसका छोटा सा टुकड़ा यानी एकांक लंबाई, एकांक जो लंबाई है उसमें जितना आवेश होगा, पूरे मान वायर में मान के चलो अपने पास 100 कूलम आवेश है, एकांक लंबाई में आप आवेश निकाल लिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मान के चलो अपन मान लेते हैं कि 10 कूलम है, तो एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, तो घनत्व वर्ड लग जाता है। तो ध्यान रखना है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, और रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित, पूरी लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, एकांक लंबाई की, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तार की एकांक लंबाई में जितना है आवेश, एकांक लंबाई में जितना आवेश है वो आवेश, और अपोन में एकांक लंबाई। डियर स्टूडेंट, रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई अपन इसको मान लें डीएल है, पूरे की लंबाई एल है, इसके अल्पांश यानी एकांक लंबाई डीएल है, और इस पूरे में आवेश यदि क्यू है तो इस डीएल में आवेश की मात्रा डीक्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश है डीक्यू, एकांक लंबाई है अपने पास डीएल, तो रैखिक आवेश घनत्व जो है वो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश तथा एकांक लंबाई का अनुपात है वो रैखिक आवेश घनत्व है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि पूरे तार में आवेश न होके उसके छोटे से भाग में जितना वो आवेश है वो आवेश जो है वो रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक अपन निकालें तो ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और नीचे है लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, यानी कूलाम पर मीटर।
इसकी डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, विभा भी निकाल सकते हैं, कूलाम यानी आवेश है ऊपर आवेश की, A1 T1 नीचे लंबाई है, लंबाई की जो विमा है, आवेश की विमा होती है A1 T1 और लंबाई की विमा है L1। तो डियर स्टूडेंट्स M0L-1A1T1 ये है पहला रैखिक रैखिक आवेश वितरण। सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां अपन ने बात की रैखिक आवेश वितरण की, परिभाषा अपन ने क्या दी है कि यदि आवेश एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित है तो उसे अपन रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करें तो इस प्रकार का अपने पास कोई पृष्ठ है और इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है, कोई पृष्ठ है अपने पास उसमें एक समान रूप से वितरित है आवेश। जैसे किसी पात्र में अपन पानी डालते हैं, वो पानी उसके पैंदे पर पूरी तरीके से फैल वितरित हो जाता है, तो उसी प्रकार से आवेश यदि किसी पृष्ठ को दिया गया और वो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, तो इसे स्टूडेंट्स अपन पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि इतना पृष्ठ है, इस पृष्ठ की एकांक लंबाई यानी एकांक क्षेत्र, एकांक क्षेत्र इस पृष्ठ को मैं ए से लिखें तो इसका अल्पांश जो पृष्ठ है वो डी, यानी पूरे पृष्ठ की बात न करके उसके एकांक पृष्ठ में यानी एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा, पृष्ठ या सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी अपन बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां क्या लिखा था अपने एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश बटा एकांक लंबाई, यहां पर लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, पूरे क्षेत्रफल की बात ना करके एकांक, एकांक को डी से लिखा, पूरे क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश अपन ने मान लिया dq, एकांक क्षेत्रफल अपने पास क्या है, तो डियर स्टूडेंट एकांक लंबाई वाला है dq / dl, एकांक पृष्ठ के लिए है dq / dl, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक पृष्ठ एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है dq / dl। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स कूलाम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तीसरा जो आवेश वितरण है थर्ड जो आवेश वितरण है इसको अपन लिखें आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट्स अपने पास कोई बंद पात्र है, निकाय है, जैसे फुटबॉल है, ये अपने को बॉर्ड के ऊपर सर्कल दिखता है लेकिन फुटबॉल बंद निकाय सिस्टम है। आयतन आयतन आवेश वितरण में आपको क्या लिखना है, यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो इस वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के अंदर जो चार्ज है या उसके पृष्ठ पर जो आवेश फैला उसको तो पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। किसी भी वस्तु के आयतन में जो आवेश है वो यदि एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आवेश आयतन आवेश वितरण कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम को स्टूडेंट्स वी से लिखते हैं। यहां ध्यान रखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से, और इसके पूरे आयतन की बात न करके इसके एकांक आयतन को आप लो, एकांक आयतन को स्टूडेंट्स मैं डीवी से लिख देता हूं, वी के कम के एकांक आयतन में जितना आवेश होगा वो आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बात करें अपन आयतन आवेश घनत्व,
आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी। और इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक है कूलम, नीचे आयतन है तो कूलम का आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसको लिखेंगे कूलम पर मीटर। तो स्टूडेंट्स गाउस के नियम को पढ़ने के लिए अपन रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में अपन ने जो चीजें पढ़ी है वो है कि सतत आवेश वितरण क्यों कहा गया, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के हैं, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, यदि आवेश एक रेखा के अवधि से एक समान रूप से वितरित है तो इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और उस पूरी लंबाई के कंपेयर में यदि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी। दूसरा यदि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और पूरे पृष्ठ की बात न करके उसके एकांक पृष्ठ में जितना आवेश होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, यानी एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा होता है डी क्यू अपॉन डी। तीसरा आयतन आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान रूप से फैला हुआ या वितरित है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण में बात करें तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, इसे रो से व्यक्त करते हैं, इसको लिखते हैं डी क्यू बाई डी। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा डी क्यू बाई डी ए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा डी क्यू बाई डी ए, और रेखीय आयतन आवेश घनत्व रो डी क्यू बाई डी।